हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशाद्यते शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। तो 10वें श्लोक से आगे, जिसमें अष्टांग योग कैसे किया जाता है इसकी प्रैक्टिसेस के बारे में दिया है। 11वें श्लोक से 17 श्लोक तक हमने देखा था। सो 18 से 23 आज ये श्लोक देखेंगे। तो ये श्लोकों में जो अष्टांग योग का योगी है, जो परफेक्शन के स्टेज पे पहुंच गया है, सिद्धि की स्टेज पे पहुंच गया है, ये जिसको समाधि का भी स्टेज बोलते हैं, उसका वर्णन किया गया है। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके लक्षण हैं। तो 18 से 23 ये जो श्लोक है, पहले इसका उच्चारण करेंगे। यदा विनयतम चित्तम आत्मनियेवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्तेति उच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्यायुञ्जतो योगमात्मना यत्रुपमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत्बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यादुःखसंयोगा वियोगं योगसंज्ञितम्। तो ये जो श्लोक है, 18th श्लोक से बताया जा रहा है कि कैसे जब वो अष्टांग योगी है, जब वो सिद्धि के स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो 19 से 23 ये जो श्लोक है, 20 से 23, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समाधि के स्तरों के बारे में बताया है कि कैसे जो योगी होता है। तो इस तात्पर्य में संप्राज्ञता समाधि और असंप्राज्ञता समाधि, ये दो समाधि के बारे में लिखा है 20 से 23 के परपोट के थर्ड थर्ड पैराग्राफ या फोर्थ पैराग्राफ में, तात्पर्य में। तो समाधि का बेसिक मतलब क्या है कि व्यक्ति का मन पूरी तरह अब्जॉर्ब है, वो पूरी तरह फोकस है। तो संप्राज्ञता समाधि, तो समाधि है मतलब माइंड तो फोकस्ड है, माइंड मतलब पूरी तरह एकाग्र है। इसमें भी दो, तो इसकी इसमें दो टाइप होते हैं, एक है सा वितारका वितर्क समाधि और सा विचार समाधि। सा वितर्क समाधि मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस है, किसी एक वस्तु पे फोकस होता है। और सा विचार समाधि मतलब एक कोई विचार है उसके ऊपर फोकस है। तो जो माइंड है, माइंड कंट्रोल अलग अलग लेवल पे माइंड की स्टेट्स रहती हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने भी गीता में और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्द उपयोग किए गए हैं। जैसे मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ा मतलब डिल्यूडेड है, उसको इल्यूजन है, उसको क्लैरिटी नहीं है। जैसे कोई बहुत डल रहता है, सोया हुआ है,
शिफ्ट, शिफ्ट मतलब माइंड एजिटेटेड है, जैसे कोई बहुत टेंशन में रहता है, उसको बहुत स्ट्रेस रहता है, तो उसका माइंड कैसा रहता है, एजिटेटेड रहता है, शिफ्ट होता है। और एक होता है विक्षिप्त, विक्षिप्त मतलब डिस्ट्रैक्टेड, शिफ्ट मतलब माइंड में टेंशन है, एजिटेटेड है, वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकता। विक्षिप्त मतलब माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे लेक्चर चल रहा है उसमें बच्चे रोने लगे, दो तीन छोटे बच्चे रोने लगे, और कोई बाहर से बैंड बाजे वाले जा रहे हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड। एकाग्र, एकाग्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे एग्जाम के आधे घंटे पहले जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो उस समय माइंड कैसा रहता है, एग्जाम के जस्ट पहले एकदम फोकस्ड, ये एकाग्र है माइंड। और निरोध, निरोध मतलब जो माइंड कंट्रोल है पूरी तरह, जो माइंड एब्जॉर्ब्ड है, जैसे समाधि में जो माइंड होता है, जो शुद्ध भक्त हैं जब भगवान का चिंतन करते हैं, तो जो समाधि है वो भी ऐसा 0-1 नहीं रहता है, धीरे धीरे योगी का माइंड धीरे धीरे कंट्रोल होता है, क्योंकि मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं। तो संप्राज्ञता जो समाधि है उसमें माइंड फोकस रहता है, और किसी एक पर्टिकुलर वस्तु पे, तो मैंने बताया जैसे दो चीजें रहती है, एक में वस्तु पे फोकस करता है, एक में विचार के ऊपर, तो उसका जो मन है इतनी सारी चीजों से एक वस्तु पे फोकस करता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन संप्राज्ञता समाधि में किसी एक चीज पे वो फोकस करता है। और जब ऐसे उसकी समाधि का स्तर और बढ़ता है, हाँ, तो और बढ़ता है और बढ़ता है, तो फिर क्या है, माइंड उसका मटेरियल लेवल पे स्टॉप हो जाता है। तो माइंड जब स्टॉप हो जाता है मटेरियल लेवल पे, उसको बोलते हैं असंप्राज्ञता समाधि। असंप्राज्ञता समाधि मतलब हायर स्टेज है। तो संप्राज्ञता समाधि में उसको किसी एक वस्तु की आवश्यकता है फोकस करने के लिए, लेकिन असंप्राज्ञता समाधि में उसको क्या वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मटेरियल किसी भी रियलिटी की उसको आवश्यकता नहीं है, मटेरियल से स्पिरिचुअल लेवल पे फोकस करता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी ने बताया, तो अभी देखेंगे, जैसे इसके पहले के श्लोकों में लिखा था संप्रेक्षा नासिकाग्रम की, उसको कहाँ देखना है, नासिका के अग्रभाग में देखना है, या भगवत गीता में वैसे लिखा भ्रू और मध्य, दोनों भ्रूओं के मध्य में देखना है। तो इसका मतलब क्या है, उसको किसी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये समाधि का बेसिक स्तर है। लेकिन जब और डेवलप्ड स्टेज पे चल जाता है तो उसको किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट स्पिरिचुअल लेवल पे, इसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया है प्रभुपाद जी, बताते हैं ये योग का मेन उद्देश्य। तो योग का मेन उद्देश्य क्या है, वित्ती निरोधा, ये पतंजलि, पतंजलि का जो सूत्र है उसमें दिया गया है। अब प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखते हैं, स्पेशली जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है 20 से 23 का, तो ये सारा चीज समझाने के बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में किस तरह से ये इजी हो जाता है। भक्ति के मार्ग में जो समाधि का अंडरस्टैंडिंग है उसमें उसको चीजों को स्टॉप नहीं करना है फिजिकल लेवल पे या मटेरियल लेवल पे, ये पर भक्ति के मार्ग में क्या है, जो डिवोटी है वो हायर रियलिटी को परसीव करने लगता है, और उसमें परसीव करता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन हम देख सकते हैं किस प्रकार से दो तीन लीलाएं हैं, जैसे रूप गोस्वामी, एक बार रूप गोस्वामी यहाँ से वो ट्यून करके आध्यात्मिक जगत गोलोक के चैनल में, तो वहां पे राधा रानी और कृष्ण की एक लीला चल रही थी, तो राधा रानी क्या है एक फूल तोड़ रही थी, जब फूल तोड़ रही थी ऊपर ऊपर फूल तोड़ रही थी, भगवान ने पीछे से ब्रांच पकड़ा हुआ था, तो वो तोड़ने जा रही थी तो भगवान ऊपर ऊपर कर रहे थे वो ब्रांच को, तो फिर जैसे ही राधा रानी ने उस ब्रांच को पकड़ लिया तो भगवान ने ब्रांच को छोड़ दिया, तो राधा रानी वो ब्रांच में हैंग हो रही है। तो वो लीला है, कृष्ण उसको देख के हंस रहे हैं,
स्वरूप गोस्वामी भी ये लीला देखते हैं, ट्यून कर रहे हैं यहाँ से वो गोलोक चैनल पे, तो भी में एक वैष्णव वहां से जा रहा होता है, ले वैष्णव, तो जब उसके ऊपर हंसने लगते हैं तो वो उसके ऊपर नहीं हंस रहे होते हैं, वो लीला देख के हंस रहे होते हैं, तो लगता है कि मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं कि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है। तो जैसे ही वो अपराध ले लेता है तो रूप गोस्वामी का जो ट्रांस है ब्रोक हो जाता है, उनकी जो समाधि है वो ब्रेक हो जाती है। तो सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, इतना अच्छा मैं लीला स्मरण मुझे हो रहा था। सनातन गोस्वामी से पूछते हैं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं शायद किसी से अपराध हो गया। तो उनको तो कोई पता ही नहीं कौन है, कौन उनको पता ही नहीं, उन्होंने तो किया नहीं अपराध, वो तो दूसरे चैनल पे थे। सनातन गोस्वामी बोलते हैं सारे वैष्णवों को फीस्ट के लिए बुलाइए, और उसमें जो नहीं आया सब समझ लीजिए वो वैष्णव अप्रसन्न है, उसके पास जाके माफी मांगिए। तो रूप गोस्वामी ने फीस्ट में बुलाया, एक वैष्णव नहीं आया। फिर उसके पास गए, फिर उसने बताया, रूप गोस्वामी ने क्लियर किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे रूप गोस्वामी को परसीव हो गया, ये होता है परसेप्शन ऑफ हायर रियलिटी जो भगवान का वहां पे चल रहा है। तो अभी परसेप्शन के साथ साथ पार्टिसिपेशन भी है जो शुद्ध के लिए, और मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी लीला है, रघुनाथ दास गोस्वामी की भी लीला है कि एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार हो गए, जब वैद्य आया तो उन्होंने बोला इन्होंने भैया ओवर ईटिंग कर लिया है, तो सबने बोला अरे तो ओवर ईटिंग क्या, ईटिंग ही नहीं करते हैं ये, ओवर ईटिंग कैसे हो जाएगा रघुनाथ दास स्वामी का, वो तो 2-3 दिन में छाछ के 2 बूंद लेते थे। तो क्या हुआ था, वो अपने लीला स्मरण में आध्यात्मिक जगत चले गए थे, तो आध्यात्मिक जगत में वहां पे उन्होंने स्वीट राइस खा लिया था जो वहां पे, तो उसके कारण उनका बॉडी है जो स्टमक अपसेट हो गया था। तो ये सिद्धांत ये भक्ति के लेवल पे है, और चेतन महाप्रभु ने अपने जीवन में इसको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया है। चेतन महाप्रभु कैसे परसीव करते थे, कोई भी पहाड़ देखते थे उनको लगता वृंदावन है, कोई जलाशय देखते थे उनको लगता था यमुना है। ये तो बहुत सारे उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया है कि कैसे जो जो हायर रियलिटी का परसेप्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है 18 श्लोक, यदा विनयतम चित्तम, तो जो ऐसा व्यक्ति है, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों को संयम में कर लिया है, आत्मनि एवावतिष्ठते, और वो आत्मा के लेवल पे अभी सिचुएट हो गया है, निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो, निष्प्रहा ऐसा जो व्यक्ति है, निष्प्रहा कोई इच्छा नहीं है उसकी, सर्व कामेभ्यो कोई भी हैंकरिंग नहीं है, जितनी भौतिक इच्छाएं लोगों की रहती हैं, मुझे ये मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे और धन रहे, अच्छे संबंध रहे, भौतिक रूप से सारी इच्छाओं से मुक्त है ये योगी, युक्त इति उच्यते तदा, ऐसा जो व्यक्ति है वो युक्त है, युक्त मतलब वेल सिचुएटेड, युक्त मतलब कनेक्टेड, जैसे पिछले श्लोक में युक्त आहार विहारस्य, युक्त शब्द का मतलब एक था रेगुलेटेड, और इस शब्द का मतलब कनेक्टेड भी है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा जो योगी है वो युक्त है, वो वेल सिचुएटेड है योगा में। तो पिछले श्लोक में भी ये सारे जो शब्द यूज किए गए थे, पिछले श्लोक में भी युक्त इसका मतलब था कि जब जो योगी है जब वो आहार करता है विहार करता है तो ये सारी क्रियाएं करते हुए भी वो युक्त यानी वेल सिचुएटेड या कनेक्टेड रहता है भगवान से, ये सिद्धांत है। तो योगा क्या है, फुल टाइम एक्टिविटी है,
कृष्ण। तो ये जो योगा है जो पिछले श्लोक में यूज किया गया था, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट सुकर्मसु, तो योगा है ये फुल टाइम एक्टिविटी है। तो योगी है जब वो भोजन कर रहा है या विहार कर रहा है, निद्रा कर रहा है, ये सारी क्रियाएं करते हुए भी वन स्टेज युक्त वो कनेक्टेड रहता है उस हायर रियलिटी से, उस परम सत्य से, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे बताया गया है, तो जो भी क्रियाएं हम करते हैं जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, व्यक्ति का शुद्धिकरण होता रहता है। और योगो भवति दुःखः, और इस तरह वो संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ये तो आत्मनि एवावतिष्ठते, आत्मा के स्तर पे हो रहता है। विनियतम चित्तम, उसकी कॉन्शियसनेस कंट्रोल है। निस्प्रहा सर्व कामेभ्यो, और कोई भी भौतिक इच्छाएं उसको नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने परपोट में कि व्हेनेवर डिवोटी इंगेजेस सेंसेस विदाउट अराउजिंग सेंशुअल डिजायर्स, ये सेंटेंस लिखते हैं कि डिवोटी इंगेजेस सेंसेस विदाउट अराउजिंग सेंशुअल डिजायर्स। जैसे वो भोजन कर रहा है या कुछ और कर रहा है, लेकिन उसकी भौतिक इच्छा नहीं है। जैसे जो भक्त है वो प्रसादम लेते हैं, वो चिंतन करते हैं कैसे भगवान की कृपा है, तो सेंशुअल डिजायर भौतिक इच्छाएं उनकी जागृत नहीं होती, वो सेंसेस को इंगेज करते हैं। और यहाँ पे ये फेमस श्लोक प्रभुपाद जी ने, यही श्लोक आप 2.61 का तात्पर्य देखेंगे वहां पे प्रभुपाद जी ने यही श्लोक कोट किए हैं, बहुत फेमस श्लोक है अम्बरीश महाराज वाले, कि कैसे जो डिवोटी है वो अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करता है। अब इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में तात्पर्य के प्रभुपाद जी बोलते हैं, निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम और व्यवहारिक है। अनिर्वचनीय है, इसका मतलब क्या है कि अनिर्वचनीय है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो निर्विशेषवादी है हाँ, या इम्पर्सनलिस्ट है, तो जो उसमें क्या होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि सारी भावनाओं को शांत करना है, और इस संसार में कुछ नहीं है, सब शून्य है, कुछ संबंध नहीं है, तो इसमें उसको कैसे आनंद मिलेगा। तो अगर आप पूछेंगे भी ऐसे निर्विशेषवादी से कि वो कौन सा हैप्पीनेस है, तो बोलेगा वो अनिर्वचनीय है, वो आप शब्दों में नहीं बता सकते वो क्या हैप्पीनेस है, वो इनएक्सप्रेसिबल है। तो वही प्रभुपाद जी, क्योंकि पहले भी प्रभुपाद जी ने आगे भी इसको एक्सप्लेन किया है 12th चैप्टर में कि क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो निर्विशेषवादियों का पथ है ये बहुत क्लेशों से भरा हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस संसार से संबंध छोड़ना या संसार की चीजों को त्यागना बिना भगवान से कनेक्ट किए, यहाँ से डिस्कनेक्ट होना बहुत मुश्किल है, ये सिद्धांत है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम एंड और व्यवहारिक है। इसका मतलब क्या है, डिवोटीज के लिए वो इजी और प्रैक्टिकल है। इजी मतलब अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना इजी है, कोई बच्चा भी लगा सकता है, भगवान के दर्शन करना, प्रसाद खाना, कीर्तन करना, बहुत इजी है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, तो ये सिद्धांत है इसका। तो यहाँ पे इसलिए बताया यदा विनियमितम चित्तम आत्मनि एवा प्रतिष्ठते। अब अगले श्लोक में इसका एक उदाहरण दिया है समाधि के लिए, एनालॉजी दिया है, यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमास्मता योगिनो यद चित्तस्या युञ्जतो योगमात्मना। अथा दीपा निवातस्तो, दीप मीन्स जो लैंप होता है, जो दिया होता है, वात मीन्स जो हवा होती है। तो यथा दीपो निवातस्ते ना इंगते, इंगते मतलब हिलना, सा उपमास्मता। तो अगर जो दिया है वो एक ऐसी जगह पे लगा है जहां पे कोई हवा नहीं चल रही है, तो जो दिए की लौ है वो हिलेगी नहीं, वो एक जगह रहेगी।
ये उपमा दी गई है योगी की चेतना की। जो योगी है जिसका चित्त पूरी तरह नियंत्रित रहता है, युञ्जते योगा, तो वो एकदम फोकस रहता है आत्मा के ऊपर, आत्म तत्व के ऊपर, वो हिलता नहीं है। तो दिया अगर जल रहा है तो जरूरी नहीं है वो हिले। अगर आपने ऐसी जगह पर रखा कि कोई हवा नहीं चल रही है तो वो नहीं हिलेगा। तो जो दिए की लॉ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है हमारी कॉन्शियसनेस को। और जो अनफ्लिकरिंग फ्लेम है, ऐसी जो उसकी लॉ है जो हिल नहीं रही है, वो है अनडेविएटेड कॉन्शियसनेस। तो जिसकी जो कॉन्शियसनेस है, जो चित्त है, वो आत्मा पे फिक्स है। उसे पता है मैं एक आत्मा हूँ, मैं भक्ति योगी हूँ, और उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा पे फिक्स है। ये भक्ति योगी के लिए, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा पे। अष्टांग योगी को अभी तक पता नहीं है कि कृष्ण से मेरा क्या रिलेशन है। तो अष्टांग योगी को ये पता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्म तत्व पे मुझे अपनी कॉन्शियसनेस फिक्स करनी है, युञ्जते योगा। तो ऐसे वो फिक्स रहता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक जगह फिक्स रहती है। तो कॉन्शियसनेस हमारी किस कारण से अलग अलग दिशाओं में जाती है, ये प्रश्न उठता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस है वो फ्लिकर होती है किसके कारण, मटेरियल डिजायर्स के कारण, क्योंकि इसमें भौतिक इच्छाएं हैं। इसलिए हम पूरी तरह से, तो जैसे पिछले श्लोक में बोला है, ये जो योगी है निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो, कोई भौतिक इच्छाएं इसके अंदर नहीं है, इसीलिए इसकी जो कॉन्शियसनेस है वो फिक्स है। क्योंकि भौतिक इच्छाएं रहती हैं उससे कॉन्शियसनेस एजिटेट हो जाती है। तो इसीलिए ये जो भौतिक इच्छाएं, इसकी तुलना विंड से की गई। तो विंड चलेगी तो दिए की लौ हिलेगी। इसी तरह अगर भौतिक इच्छाएं रहेंगी तो कृष्ण कॉन्शियसनेस पे, आध्यात्मिक उसमें फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि साधारण आंखों से देख के शास्त्र में बोलता है, पता चल जाता है किसी व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति रहते हैं उसकी आंखों में इतनी इच्छाएं भरी पड़ी है, लस्टी ग्लैंड्स। हाँ, उनके जो ग्लांस है वो दृष्टि में भोग भरा हुआ है। लेकिन आप यदि शुद्ध भक्त को देखेंगे, इस प्रभुपाद जी के फोटो देखिए, हाँ, और तो उनकी दृष्टि अलग रहती है। उनकी दृष्टि, उनकी आईज जो है वो रेस्टलेस नहीं रहती है। ये प्रभुपाद जी इतना बड़ा इस्कॉन सोसाइटी संभालते थे, इतनी सारी चीजें करते थे, इतना फास्ट करते थे, लेकिन पैशनेट नहीं थे। जो पैशन में व्यक्ति रहता है उसके अंदर इतनी इच्छाएं, भाग रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है उसकी, ये पैशन में। तो यहाँ पे जो विंड है वो मटेरियल डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भौतिक इच्छाएं आती हैं, मटेरियल डिजायर के साथ आता है मटेरियल एंजाइटी। तो जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतनी ज्यादा चिंता में वो व्यक्ति रहेगा। तो वो अपना माइंड फिक्स नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसका मन फिक्स है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो वो सेवा भी ज्यादा कर सकता है और उसकी जो साधना होती है बहुत एब्जॉर्बिंग होती है। अब इसी को जो 20 से 23 में और एग्जाम्पल बताएं कि वो जो योगी है जिस समाधि के स्टेज पे, उसके उदाहरण, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात मनात्मानं पश्यन्ति यात्मनि तुष्यति। यत्र मीन्स वो जो इस स्टेज पे है, हाँ, जब वो व्यक्ति युक्त यानी भगवान से कनेक्टेड है, ट्रांसेंडेंस की स्टेज। ऊपर मते मीन्स स्टॉप, हाँ, तो यत्र ऊपर मते चित्तम, तो उस स्टेज पे जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो इधर उधर जाने से, इधर उधर एजिटेट नहीं होती है। निरुद्धम योग सेवया योग, क्योंकि वो योग की प्रैक्टिस में लगा है। निरुद्धम मीन्स अगेन स्टॉप। तो पिछले जो ये डिस्कस किया था हमने, निरुद्धम मीन्स माइंड उसका पूरी एक जगह एब्जॉर्ब्ड है, उसका मन पूरी तरह से नियंत्रित है। यत्र चैवात मनात्मना, तो ऐसी स्टेज पे यत्र चैवात मनात्मानम, उसका जो मन है वो इनवर्ड्स। तो जो शुद्ध मन होता है वो अंदर फोकस करता है, अशुद्ध मन है तो बाहर की चीजों में फोकस करता है।
और जब वो अंदर फोकस करता है, पश्यन् आत्मनि तुष्यति, आत्मनि तुष्यति, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे कोई भी बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये थर्ड चैप्टर में भी भगवान ने ये चीजें एक्सप्रेस की हैं, जब अर्जुन को बताते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान के स्तर पे, जिसको क्रिया करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि उसका एक्सटर्नल एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, इंटरनली वो फोकस करता है, और केवल फोकस नहीं करता है, तुष्यति, डिलाइट करता है। हाँ, वो एकदम डिलाइट करता है अंदर की चीजों में, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, सुखम अत्यांतिकम यत्यत्, अत्यांतिकम सुखम, उसको सुख मिलता है। वो कितना सुख मिलता है वो भौतिक जो एक साधारण व्यक्ति है वो कभी नहीं समझ सकता कि अध्यात्म के जो पथ पे व्यक्ति, उसको कितना सुख मिल रहा है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो वो एक्सपीरियंस करता है उस हैप्पीनेस को। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अतीन्द्रियम, कि ये इंद्रियों के द्वारा वो समझ नहीं सकते, इट इज नॉट, ये इंद्रियों के परे का सुख है, अतीन्द्रियम। ज्यादातर लोग सोचते हैं सुख मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो मिलेगा वही सुख है, आंखों से कुछ देखेंगे, कानों से कुछ सुनेंगे, यही सुख है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अति इंद्रियम, ये इट इज बियॉन्ड द सेंसेस, कि जो हैप्पीनेस है वो अत्यंतिकम, बहुत ज्यादा है और इंद्रियों के परे है। वेद यत्र न चेवायम, एक बार जब किसी को ऐसी जो सुख है वो मिल जाता है, हाँ, तो स्थितश चलती तत्वता, वो कभी भी उस सुख को छोड़ना नहीं चाहता है। वो जो आध्यात्मिक सुख है, जब योगी भी उस उच्च स्तर पे पहुंचता है तो उसको इतनी संतुष्टि मिलती है, इतना सुख मिलता है अंदर से, कि वो उसको कभी नहीं छोड़ सकता है। इस संसार की किसी भी वस्तु से, किसी उपाधि से, किसी परिस्थिति से उसको वो सुख नहीं मिल सकता है। ये तो ना चलती, स्थितश चलती, वो स्थित हो जाता है उसमें। और उसके बाद यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, और वो योगी क्या सोचता है, यम लब्ध्वा, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है परम लाभम, इससे और कुछ ऊपर हो ही नहीं सकता है। मन्यते ना अधिकम तथा, वो ऐसा मानता है कि इससे बेटर हैप्पीनेस लाइफ में कुछ नहीं है। मन्यते ना यस्मिन स्थितो, और जब वो उस स्थिति में स्थित हो जाता है, ना दुखे ना, कोई भी संसार का दुख, गुरु नापी मीन्स बहुत बड़ा दुख भी, ना विचार लेते, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो ये लाइफ का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है उस योगी के लिए। तो जब वो योगा के उच्च स्तर पे पहुंचता है तो दो चीजें उसके जीवन में नहीं रहती, हाँ, कोई हैंकरिंग नहीं, कोई लेमेंटेशन नहीं। तो ये जो 6.23 है, ये जो 22 श्लोक है, यम लब्ध्वा च परम लाभम, लाइफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो योग के ऊपर के स्तर पे पहुंचता है, कोई हैंकरिंग नहीं, कोई लेमेंटेशन नहीं किसी चीज के लिए। ये इस प्रकार से उसकी एक दिव्य स्थिति में वो पहुंच जाता है। और तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संवितम, और यह निसंदेह भौतिक संसार से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो योग के बहुत ऊंचे स्तर की ये बात यहाँ पे बताई गई है। इस संसार में जो भी हम प्राप्त करते हैं भौतिक रूप से, तो उसमें दो प्रॉब्लम हमेशा रहती हैं, हम लोग वीक हो जाते हैं, एक तो हैंकरिंग और एक लेमेंटेशन। कुछ भी हमको संसार में प्राप्त होता है, हमको लगता है कि और मुझे मिलना चाहिए, और मुझे मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, किसी देश का सबसे धनी व्यक्ति बन गया देश का, तो संतुष्ट नहीं होगा, वो सोचेगा मुझे संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना है ये। और अगर वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन गया तभी भी संतुष्ट नहीं होगा,
सोचेगा मुझे इतिहास में जितने धनी व्यक्ति हुए हैं जो, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा धनी मुझे बनना है। तो वो चलते जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। ये तो हैंकरिंग बना रहता है, तो हैंकरिंग के कारण उसको दुख होता है। और ये हैंकरिंग और लेवेटेशन, इसी तरह अनलिमिटेड एम्बिशंस हम देखते हैं संसार में लोगों की रहती है। सबकी एक डेफिनेशन है सक्सेस की, और वो व्यक्ति अगर सक्सेस हो भी गया तो उसकी अपेक्षा है कि मेरा जो बच्चा है ये सक्सेस हो, ये इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। तो भौतिक इच्छाएं मल्टीप्लाई होती रहती है, उसकी हैंकरिंग हमेशा चलती रहती है। लेकिन जब योग के उच्च स्तर पर पहुंचता है, भगवान से प्रेम उसके हृदय में जागृत होता है, तुष्यंती, पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाता है, परपेचुअल सेटिस्फेक्शन। अब मन्यते नाधिकम तथा, उसको लगता नहीं कि और कोई चीज इससे ऊपर है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, लेमेंटेशन का, शोक का। तो व्यक्ति हर जो चीजें हैं उसके लिए शोक करते रहता है। मतलब जो चीज उसको मिली है वो कल तो उससे छीन ली जाएगी, या तो कोई चोर छीन लेगा, पुलिस छीन लेगा, इनकम टैक्स वाले छीन लेंगे, या काल समय छीन लेगा। तो वो शोक करता है कि अरे मेरे पास ये था, ये चला गया, मैंने इतनी मेहनत से ये घर बनवाया, मैंने इतनी मेहनत से ये गाड़ी खरीदी, इतनी मेहनत से ये बिजनेस स्टैब्लिश किया, ये चला गया। तो इसके लिए वो शोक करता है। मैं ये था, मेरी ये पोस्ट थी, ये पोजीशन थी, वो चली गई। तो लेमेंटेशन उसको होता है लेकिन गुरु ना पी ना विचार लेते। लेकिन जब वो योग की एक उच्च अवस्था में स्थित हो जाता है तो वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। और तम विद्यात दुख संयोगा, तो संसार में, ये संसार में बहुत दुख है और सबका दुख के साथ संयोग है। वियोगम, उससे सेपरेशन। तो इस संसार में जो दुख है वो दुख से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है जैसे ही वो योग के ऊपर वाले ऊंचे ऊंचे स्तर पर स्थित होता है। हम देखेंगे जैसे कल जन्माष्टमी है, तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतम में लिखते हैं, जब उस कथा सुनाते हैं तो बोलते हैं, अब जब अजन्मा का जन्म हुआ तो सारे काल जो है वो अनुकूल हो गए। भगवान अजन्मा है, लेकिन अजन्मा का जब जन्म हुआ तो पूरी सृष्टि ने अपने आप को सजा लिया, अनुकूल हो गए। और कितना दिव्य भगवान का जन्म है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। ये भगवान का जन्म और कर्म इतना दिव्य है, उसको जान लेने मात्र से इस संसार का जो सबसे बड़ा दुख है, संसार का सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार के सबसे बड़े दुख से। तो जिनके जन्म के तत्व को जान लेने मात्र से व्यक्ति संसार के दुख से मुक्त हो जाता है, तो उनका जन्म कैसे प्राकृतिक हो सकता है। इसलिए भगवान का इतना दिव्य जन्म है। और भगवान जन्म क्यों लेते हैं, जो अजन्मा है वो जन्म क्यों लेते हैं, ऐसी लीलाओं को करने के लिए, इतनी आकर्षक लीलाओं को करने के लिए जिनके श्रवण और कीर्तन मात्र से व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान इस संसार में आए। गुरु नापी विचार लेते, भक्ति के जो 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति के, उसका पहला लक्षण है क्लेश आग्नि, कि व्यक्ति के जीवन में इतने क्लेश रहते हैं, लेकिन जब वो भक्ति में जैसे जैसे आता है भगवान काफी सारा उसका जो क्लेश अग्नि है उसको शांत कर देते हैं, उसके जीवन में जो दुख चल रहा है उसको काफी शांत कर देते हैं। तो ये यहाँ के ये 18 से 23 जो 20 से 23 श्लोक है उसमें इन अवस्थाओं के बारे में बताया है। अब इसके बाद 24 से 32 में कैसे जो योगी है और परफेक्शन की ओर जाता है, और सुपर सोल, क्योंकि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग का उद्देश्य है कि वो हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो कैसे वो परमात्मा को रियलाइज करता है, ये 24 से 32 नेक्स्ट सेक्शन ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री प्रभुपाद। जय।